कांट टेल यू घर जाने की फीलिंग कितनी अच्छी होती है। दुनिया में कहीं भी चले जाओ लेकिन जब घर जाने का टाइम आता है तो इतना अच्छा लगता है। हाँ, 9 दिन पूरे हो गए, पता भी नहीं चला। मुझे अंगूठी इतनी अच्छी लग रही है। पहली बार इंडिया के बाहर। अभी लास्ट वाले होटल में वो इतना गूमी सा था, उसका कमरा पता नहीं अंधेरा अंधेरा रहता था, तो वहाँ आने के बाद से मेरे को ऐसे लगने लगा था अब घर जाना है जल्दी, होम सिक जैसा। बाकी तो मैं बहुत मौज में थी क्योंकि मेरी फ्रेंड के साथ मेरा बहुत अच्छा टाइम वो निकलता था घूमने में, चीज़ें एक्सप्लोर करने में। पता नहीं लास्ट होटल के कमरे की वाइब्स ऐसी कैसे थी, अंधेरा। मतलब ये हम दोनों को लगता है कि ये जितने भी होटल्स हमने एक्सपीरियंस किए उनमें था। चलो वो क्या बोलते हैं, इट ऑल वेंट्स एंड्स वेल, इट एंड्स वेल ऑल, पता नहीं क्या बोलते। फाइनली अब हम इंडिया में मिलेंगे, अब मेरे सारे वीडियोस मेरे 4x6 के कमरे में होंगे। हाँ, बहुत ज़्यादा ब्लॉग ब्लॉग हो जाएगा कुछ दिन तक, बट हाँ फिर उसके बाद वही ज्ञान की बातें। सब कुछ ब्लू ब्लू अच्छा लग रहा है यार। ये बॉयफ्रेंड बॉयफ्रेंड शर्ट्स मेरी फेवरेट है। मुझे पता नहीं अंगूठी मेरे नेल पेंट चेंज होने के बाद कैसी लगेगी, पर अभी तो बहुत अच्छे लगे। मुझे यहाँ पे जाना है। ओके, थोड़ा कॉमन सेंस यूज करके इधर उधर चीज़ें पढ़ के समझ लो। डिपार्चर है, जाना है मुझे तो डिपार्चर होता है। अरे सी डी में तो ये डेस्क वाला ये बाली का ड्यूटी फ्री है, ऐसी होती ड्यूटी फ्री की दुकान है जहाँ सबका सामान मिलता है जिसमें टैक्स होता है। विक्टोरिया सीक्रेट में कंसल कर रही थी, बॉबी ग्राउंड में कर रही थी और अब ऑलमोस्ट एज पे पहुँची हूँ। और एक्सो आपके लिए मैंने उनसे एक्स्ट्रा बैग भी ले लिया। ये सब चीज़ें हैं जो मैं वहाँ से लाई हूँ, और ये सबसे पहली चीज़। लेट्स स्टार्ट विथ गणेश जी। ये गणेश जी की पेंटिंग है, वहाँ पे ये पेंटिंग्स बहुत फेमस है, हैंडमेड पेंटिंग्स। ऑब्वियसली पेंटिंग्स तो हैंडमेड ही होती है। और इसमें मोस्टली चीज़ें मतलब मैं गिफ्ट करने के लिए लाई हूँ, तो मैं अपने घर के लिए कुछ ज़्यादा ला नहीं पाई क्योंकि मुझे गिफ्ट करने के लिए लाने की कुछ चीज़ें। ये है
दुपट्टा, मतलब ये सरोंग बोलते हैं बट ऑब्वियसली हम इसे लपेट के तो पहन नहीं सकते जैसा मैंने टेम्पल में पहना था, तो ये दुपट्टे की जगह यूज़ हो सकता है। ये भी वहाँ का फैब्रिक है, इसको इंडेक बोलते हैं, और मुझे और येलो कलर में अच्छा लगा, ये भी गिफ्ट के लिए। और ये सिल्क पे बेस्ड है, बातिक, और ये भी गिफ्ट के लिए, मतलब ये स्पेशली मंगवाया था मेरे ऑफिस में एक लड़की ने, तो ये उसके लिए, और स्पेशली ये किसी ने मंगवाया था मेरे से बोल कर लड़की ने, तो उसके लिए मैं लाई हूँ। और ये दो पर्स हैं, ये तो मैंने सोचा मैं मेरे लिए रखूँगी, और ये भी वहाँ का फेमस स्टाइल काइंड ऑफ पर्स है जो वहाँ पे बनता है हाथ से ये। और एक ये जो मैंने सोचा है कि मैं अपनी बहन को दूंगी, क्योंकि हम दोनों के पास सेम हो जाएगा, और फिर हमें जब एक्सचेंज करना होगा तो हम एक्सचेंज करके यूज़ कर लेंगे। और टैनिंग की वजह से मेरे हाथ काले, और ये जो मैंने रिंग खरीदी थी कि उसके साथ में मुझे मिले थे पाउच, अगर जिसको नहीं पता है उसको, मैंने ये रिंग खरीदी थी वहाँ पे अपने लिए 11 लाख रुपए की, तो उसके साथ मेरे को एक मिला था, एक मैंने और ले लिया था एक्स्ट्रा। और मैं बैग्स, ये वाले इनके प्राइसेस और इनके प्राइसेस नहीं बता सकती क्योंकि, और ये मैंने बहुत सारे ड्रीम कैचर्स लिए, कितने प्यारे हैं, वन देन टू पिंक कलर, देन वन मोर पिंक, देन ब्लैक, सब कितने सुंदर है, मतलब मैं अपने खुद के घर के लिए एक भी नहीं ले पाई यार, इसलिए अब मुझे लग रहा है